असमर्थ उर्फ चिंटू, ये चिंटू तो सच में चिंटू निकला। और इसके लिए मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या पता। लिरिक्स थोड़े इधर उधर होंगे। ये अंकिता के स्क्रीनिंग पे चिंटू भी थे और ईशा भी थी, लेकिन अलग अलग। ईशा अपनी मॉम के साथ थी। और एक मजे वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आपको याद होगा कि एक ही अभिषेक कुमार और MF मुनव्वर फारूकी इनके ब्रेकअप के ऊपर बेट लगाते हैं 4 और 2 मंथ में। तो भाई बेट दोनों ही जीते हैं कि इनका ब्रेकअप तो वो कंफर्म हो गया। कैसे ऐसे दामाद बाबू पधारो घर, जो बेटी को जाके जिस शो में वो टॉप 3 पे आ सकती थी, इस दामाद बाबू के आने की वजह से वो निकल गई। और इसकी इज्जत, ईशा की इज्जत अलग से इसने ली, मतलब अपने चिंटूगिरी हरकत से बेचारी ईशा जो मिच्योर थी उसको भी डुबाए जा रहा था, तो ये कैसे एक्सेप्ट होगा। तो खैर चिंटू तो सच में चिंटू ही निकला, क्या कर सकते हैं। खैर आप लोग कमेंट कीजिए आपका क्या राय है इस बारे में, इनके ब्रेकअप के बारे में। एक दूसरे को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। खैर फॉलो तो बात की बात है, अंदर वाला मोहब्बत कुछ और होता है, पर इनके बीच वो भी नहीं है। आपका क्या व्यू है प्लीज कमेंट कीजिएगा।